नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप थंबल देख के जान ही गए हैं कि किसके जियो फोन के बारे में बात करने वाला हूं। और आज का इस वीडियो में बस आपको जियो फोन के ऐसे 3 ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपका फोन ना ही तो फंसेगा और ना ही कभी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए ये 3 ट्रिक्स क्या है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरा यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, जियो फोन का जो प्रॉब्लम आता है उस फोन के अंदर कोई खास ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मान लीजिए उस फोन के अंदर बहुत सा ऐसा भाई बोलता है जैसे कीपैड का प्रॉब्लम, तो हल्का फुल्का कीपैड का तो प्रॉब्लम है दोस्तों। वैसे मान लीजिए जैसे कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम जो आता है वो 2-3 प्रॉब्लम के कारण। मान लीजिए जैसे कि फोन आप समय पे जो है अपडेट नहीं करते हैं, या तो मान लीजिए फोन आपका फंसने लगता है तो आप फोन को फॉर्मेट कर लीजिए और ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, और समय समय पे जो है फोन को अपडेट कर लिया कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो बस यही ट्रिक्स है और चलिए हम आपको ये करके दिखाते हैं कि आखिर ये क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे जैसे कि फोन, इस फोन के अंदर जो फिलहाल लॉक है, तो आप मान लीजिए फोन के अंदर लॉक है तो फोन आपको कैसे ओपन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों। इससे पहले भी बहुत सा ऐसा वीडियो बना दिया हूँ कि जिसमें मैं बताया हूँ कि फोन को कैसे अनलॉकिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है फिलहाल जो मेरे पास मॉडल है वो है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, जो फिलहाल अभी मेरे पास फोन है वो है जियो का F220B फोन। जी हाँ दोस्तों, तो इसको आप फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक जो है मेरा यही है दोस्तों कि फोन को, यदि मान लीजिए फोन आपका फंस गया, जियो लोगों पे आके फंस चुका है फोन, तो आप कैसे उसको ऑन कर सकते हैं दोस्तों। तो बस एक यही माध्यम है जैसे कि रीसेट करके। तो दोस्तों यहाँ पे रीसेट कैसे करना है दोस्तों, इसके बारे में आप जाने। वैसे सब फोन का अलग अलग मॉडल का अलग अलग शॉर्टकट की होता है दोस्तों। यहाँ पे जो है मेरे पास जो फोन है उसका शॉर्टकट की है वो स्टार बटन और पावर की, तो दोनों को यहाँ पे एक साथ प्रेस करना है आपको। दोस्तों देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दोनों को एक साथ प्रेस करके और पावर की बटन को छोड़ देना है। पावर बटन को छोड़ते ही फोन जो है आपका वो चला जाएगा रिकवरी मोड में। जी हाँ दोस्तों, अब रिकवरी मोड में जाने के बाद जो है सबसे पहले आपको आना है सेकेंड थर्ड, यहाँ पे जो है देख सकते हैं 5वें नंबर पे जो है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे आके और रेड की को आपको दबाना है, उसके बाद यहाँ पे फिर से इस बटन से नीचे आकर के यस कर देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन जो है आपका फॉर्मेट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है फोन देख सकते हैं दोस्तों, फॉर्मेट हो चुका है। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो है फोन को रीसेट कर देना है। सॉरी, रीसेट तो हो चुका है, अब जो रिबूट सिस्टम नाउ पे क्लिक करना है, यानी रेड की से ही होगा। तो ये जो था ये पहला ट्रिक है। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे ट्रिक पे। पहले तो फोन को ऑन होने दीजिए, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे ट्रिक पे कि आखिर ये दूसरा ट्रिक क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है फोन देख सकते हैं मेरा फॉर्मेट होके कंप्लीट हो चुका है। अब जो है यहाँ पे आपको करना क्या होगा देख लीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ से जो है आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे जो है हम रहने देते हैं, यहाँ पे जो है इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर से एक्सेप्ट कर लिए। यहाँ पे जो है फोन जो है मेरा जो फर्स्ट स्टेप था वो कम्प्लीट हो चुका है। जो है मेरा फर्स्ट स्टेप जो था वो दोस्तों वैसे वो जो प्रॉब्लम है वो तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मिल जाता है हार्ड रीसेट का ऑप्शन। और सेकेंड का जो ये प्रॉब्लम है वो ये है दोस्तों, मान लीजिए जैसे कि ये फ़ोन तो फिलहाल मैं जस्ट अभी आपको क्या कहते हैं इसको फॉर्मेट किया हूँ, तो ये तो फंसेगा ही नहीं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि फ़ोन आपका फंस रहा है, अब मान लीजिए यहाँ पे जो है फ़ोन यहाँ पे आप क्लिक किए, कोई सा भी बटन मान लीजिए क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, और उसके बाद होता क्या है यहाँ पे, अब एक बार क्लिक करने के बाद बहुत स्लो, यहाँ पर क्लिक किए थोड़ा सा दोस्तों रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि नीचे से जो लाइटिंग आ रहा है उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसे कि दबा रहे हैं और बहुत स्लो खुल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आप भी ये जानते हैं कि फ़ोन को जाके फॉर्मेट कर लेना है, ये नॉर्मल है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सब आदमी ये बात जानता है, बहुत कम ऐसे भाई हैं जो कि ये बात जानता है और खाम खां वो किसी शॉप पे जा करके और 100-150-200 रुपया अपना बर्बाद कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा दोस्तों। सेटिंग में जाने के बाद जो है यहाँ पे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जाना होगा, देख सकते हैं दोस्तों नीचे, और यहाँ पे डाउनलोड्स है, नीचे जो है देख सकते हैं ये रीसेट फ़ोन है, और यहाँ पे जाने के बाद जो है इस बटन को क्लिक करके और फोन का जो है रीसेट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो फ़ोन आपका रीस्टोर हो जाएगा, क्योंकि जस्ट कुछ देर पहले जो है फ़ोन मेरा फॉर्मेट हुआ है, हार्ड रीसेट हुआ है। इसलिए अब जो है यहाँ से हम चलते हैं बैक, ये मेरा दूसरा स्टेप था। जी हाँ दोस्तों, अब आता है तीसरा, फ़ोन में आप
को जो है बार बार ऐसा प्रॉब्लम आता है जिससे कि शॉप पे डलवाना पड़ता है। किसी शॉप पे जाके 100 रुपया तो मिनिमम आपसे चार्ज किया जाता होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई कम लेता होगा, 100 रुपया आजकल के दौर में ईजी है, आम बात है। तो सॉफ्टवेयर का 100 रुपया रेगुलरली हर दुकानदार लेता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, फ़ोन को बराबर मिनिमम आपको सप्ताह महीना में आपको कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा आपका जो डाटा है नेट MB है वो आप मूवी देखते हैं या कुछ देखते हैं उसे बचा करके यहाँ पे आप यूज करके उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अप टू डेट का ऑप्शन डायरेक्ट है दोस्तों, कहीं नहीं जाना है, सॉफ्टवेयर अप टू डेट में जाके और फ़ोन को जो है आपको अप टू डेट कर देना है। इस फ़ोन के अंदर जो है सिम नहीं लगा हुआ दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप सॉफ्टवेयर अप टू डेट में जाके ओके कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपका अपडेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बस सेम यही प्रोसेस है, सिम नहीं है नहीं तो मैं अपडेट थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आप अपडेट लगा दिए तो आप डरे ना, ये तो हर वक्त यूँ का क्योंकि डर जाते हैं, सोचते हैं बैटरी धरफड़ी में खोल देते हैं, और जब बैटरी आप खोल दीजिएगा, फ़ोन आपका अपडेट होकर इंस्टॉलिंग हो रहा है और बैटरी आप रिमूव कर लीजिएगा तो होगा क्या, फ़ोन जो है आपका रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास एक और, फिर भी एक और सोल्यूशन है दोस्तों, वो क्या, तो जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो बताया था मैं कि फ़ोन को जो है उसका जो शॉर्टकट की है वो गूगल पे जाकर के आप सर्च कर लीजिए उसका बूट की, सॉरी उसका जो है फॉर्मेट हार्ड रीसेट की क्या है, और वो की लेकर के आपको फ़ोन को जो है फॉर्मेट कर देना है। उससे भी सॉल्व हो सकता है, यदि नहीं होता है दोस्तों तब जाके आपको सॉफ्टवेयर डलवाना होगा, दूसरा तो कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आप सप्ताह दिन या 10 दिन के अंदर, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन में भी एक बार अपडेट कर दीजिए तो फ़ोन में जो है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो दोस्तों यही जो 3 सेटिंग था, यदि बराबर आप करते हैं, समय समय पे फ़ोन को अपडेट कर देते हैं तो ये फ़ोन भी कोई ख़राब नहीं है दोस्तों, अच्छा चलता है। जी हाँ दोस्तों, तो फ़ोन का जो है अपडेटिंग बराबर करें, समय समय पे फ़ोन को अपडेट करते रहें, सॉफ्टवेयर जो अपडेट सेटिंग के बाद जो डिवाइस में जाके आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन रहता है वहाँ से जा करके आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिए। वैसे वीडियो में तो बता ही दिया हूँ दोस्तों, यदि आप नहीं सही से कर पाते हैं तो वीडियो को देख करके वहाँ से जाकर अपडेट कर लीजिए। यदि फ़ोन आपका बहुत ज़्यादा फंस रहा है, मान लीजिए बहुत स्लो वर्क करता है, तो फ़ोन का जो है आप रीसेट कर लें। जी हाँ दोस्तों, बस यही 2-3 सेटिंग था जो कि यदि बराबर आप करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा जियो फोन चलाने में। जी हाँ दोस्तों, तो बस इस वीडियो में इतना ही तक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यायालय का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप मेरे चैनल पर पहले से हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं वीडियो कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।